सो है गाइज़ वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल कैसे हो आप सभी होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत 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 अच्छी हूँ मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ मैं सच में मैं बहुत अच्छी हूँ आप आपको मेरी स्माइल से ही दिख रहा होगा कि मैं कितनी अच्छी हूँ और सो गाइज आज आपको लग रहा होगा कि मेरे पति जी कहाँ हैं पति जी <laughs> <laughs> मेरे पति देव कहाँ है तो वो अभी थोड़ा सा अपना बैंक का काम कर रहे हैं तो अभी मुझे थोड़ी देर में ज्वाइन कर लेंगे तब तक मैं आपसे बातें कर लेती हूँ क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स थे बहुत सारे मैसेजेस थे और आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है ना भर भर के प्यार दिया है तो उसके लिए दिल से थैंक यू दिल से आई लव यू गाइस आप सभी को तो वीडियो ज़्यादा ना लंबी करते हुए हम शुरू करते हैं तो ये मैंने विशाल का फोन लिया हुआ है और अब मैं आपको फटाफट से मैं आपके क्वेश्चनों का आंसर करती हूँ प्लीज़ किसी का छूट जाए ना तो प्लीज़ मुझे, मुझे माफ़ कर देना मेरे को मेरे को उल्टा नहीं बोलना कि दीदू आपने रिप्लाई नहीं किया मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सबके रिप्लाई करूँ और आप लोग मुझे जानते हो है ना आपको तो आपसे आप बेटर तो कोई नहीं जानता ना कि मैं कैसी हूँ तो आपको पता है कि मैं मोस्टली रिप्लाई करती हूँ कोई ऐसा होता है कि छूट जाता है उसके लिए सॉरी ओके okay? तो अभी हम चलते हैं फिर फटाफट से शुरू करते हैं वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी आप बोलोगे दीदी ने पका दिया हमें है तो ऐसा मत बोलो मैं ना पिट्टू पिट्टू कर दूंगी तो अभी आप देख सकते हो भर भर के आप लोगों ने क्वेश्चन किए हुए हैं और मैं ये थोड़ी लाइट का प्रॉब्लम हो रहा है और मैं फटाफट से पढ़ना स्टार्ट करती हूँ ठीक है तो ये योगिता जी ने किया हुआ है आ, ये बहुत अच्छी हैं मुझे आ, इन्होंने काफ़ी बहुत सारे मैसेजेस किए थे जब मैं थोड़ी परेशान थी दुख था मेरे पास तो आ, मुझे बहुत मोटिवेट किया इन्होंने सो तो, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मैम थैंक यू सो मच मेरे को इतना इनक्रीज़ करने के लिए मेरे को थोड़ा सा एक होता है ना पुश करने के लिए आप लोगों का बहुत बड़ा हाथ रहा है तो उसके लिए दिल से धन्यवाद और क्योंकि इनका मुझे इसलिए याद नाम याद है क्योंकि मैंने इनको इसलिए पहचाना है क्योंकि इन्होंने मेरे को बहुत मैसेजेस किए थे इनफैक्ट ये मेरे को रोज़ मैसेज करती थी मैं कुछ भी डालती थी तो वो मुझे रिप्लाई करती थी इनफैक्ट वो वैसे भी मेरे को मैसेज करती थी तो थैंक यू मैम तो मैं आपका रिप्लाई अभी इन्होंने भी मेरे को कई सारे क्वेश्चन पूछे हैं तो मैं आंसर कर रही हूँ ठीक है तो ये पूछ रही हैं कि आपकी सासू माँ के साथ भी व्लॉग बनाओ आ, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं आपकी माँ वो बहुत प्यारी हैं तो देखो मेरी सासू मां बहुत 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 प्यारी हैं और वो सच्ची में इतनी एक्टिव है ना इस उम्र में कोई नहीं हो सकता सीरियसली तो तभी मैं इतना फ्रीली रह पाती हूँ उनके होते हुए क्योंकि वो आधा काम वो अभी तो खैर मैं मेरी वैसे कंडीशन नहीं है कि मैं उनकी हेल्प करूं लेकिन वैसे भी मतलब इससे पहले भी प्रेगनेंसी से पहले भी तो आधा मैं ऊपर का काम कर लेती हूँ मम्मी नीचे का सारा निपटा लेती तो इतना बर्डन नहीं है ना उन पे ना मुझ पे हम दोनों मिलके कर लेते हैं इस बात में तो उनकी आ, कोई भी होड़ नहीं कर सकता तो आ, मैं जल्दी बनाऊंगी एक्चुअली ना मेरी मम्मी थोड़ी सी शाय हैं मतलब वो शर्माती आए हैं थोड़े कैमरे के सामने अदरवाइज वो बहुत मजाकिया हैं बहुत मजाक करती हैं तो सबसे ज़्यादा वही हंसती हैं हमारे घर में एक मैं मतलब मैं भी हंसती हूँ लेकिन मम्मी सबसे ज़्यादा हंसती है वो सबसे ज्यादा मजाक करती हैं तो मैं उनके साथ भी व्लॉग बनाऊंगी तो आप मेरे को सजेस्ट कर देना कि आपको ये व्लॉग बना मतलब मतलब आइडिया दे दो कि इस टाइप करके कुछ बनाना है ठीक है ना तो उस टाइप से हम बनाएंगे तो नेक्स्ट एक मेरी बहन ने बोला है मतलब उनके उन्होंने कुछ कुछ ऐसे मेरे को बोला भी है तो मैं वो भी साथ के साथ बोल देती हूँ ये क्वेश्चन नहीं है बस ऐसे ही उन्होंने बोला है आ, ये है मिस्टर सोनम बैसला जीरो नाइन एड करके और ये कह रही कैरियर दी ऐसे ही आप रहा करो आप मम्मी मुस्कुराती हुई बहुत अच्छी लगती हो उधर मेरे पति देव आ गया मुझे इशारा कर रहे हैं कि मैं भी आ रहा हूँ अभी तो आ जाओ जल्दी से तो मुझे सोनम बैसला सोनम बैसला हाँ वही हो जाता है थोड़ा टाइम हो जाती है सॉरी <laughs> तो तो गाइज वो अभी विशाल भी मेरे को ज्वाइन करने वाले हैं तो ये हो गया और नेक्स्ट है कि दीदू आपकी लाइफ में जीजू की इम्पोर्टेंस कितनी है बताओ बताओ, बताओ। और जी, जीजू आप भी बताओ कि दीदी की कितनी इम्पोर्टेंस है आपकी लाइफ में तो बताओ आओ ना आप पहले आओ तो आपके साथ ही बताती हूँ आ जाओ सो गाइस देखो हेलो गाइस कैसे हो आप सभी मैंने भी ज्वाइन कर ही लिया मेरा पिलर <laughs> मेरा पिलर मेरा बैक बोन दो चार बात और बोल लेती <laughs> गाइस ठंड बहुत हो रही है अभी अभी बाहर से आया हो गया आपका काम हां सो so, थोड़ा सा बाहर का व्यू लेने गया था ठंड कैसी हो रही है तो ठंड बहुत बढ़िया हो रही

बताओ ऐसे शब्दों में तो है, तो तो है तो। अच्छा, तो इंपॉर्टेंस में, होती है न, तो वैसे ही इनकी है पहले एक लड़की के लाइफ में देखो शादी से पहले उसके पेरेंट्स होते हैं शादी के बाद उसके हस्बैंड होते हैं तो ये मेरे लिए अब सबसे सेम इम्पोर्टेंट ये पहले इनके बाद कोई आता है अगर कोई किसी का नंबर आता है तो सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट है मेरी लाइफ में बाकी कुछ और है और माँ बाप तो हैं ही लेकिन मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ और अभी जो ये एक्सीडेंट हुआ हमारे साथ इसके बाद इनकी वैल्यू मेरी लाइफ में और भी ज़्यादा बढ़ गई है और वो हमेशा अब वो उस लेवल पे चली गई है ना क्योंकि जितना इन्होंने मेरे को सपोर्ट किया है इतना मेरे को प्यार दिया है मेंटली भी और मेरे को इतना संभाल के रखा है ना तो उसकी वजह से अब वो शब्द ही नहीं है मेरे पास कि मैं बयां कर सकूं कि हाँ इनकी इतनी इम्पोर्टेंट मतलब एक लिमिटेड मैं कुछ बता सकूं जितना वो कहते हैं ना कि वो है ना एक समुन्दर की गहराई को नहीं नाप सकते आप तो वही वाला किस्सा है तो मैं ऐसे शब्दों में बया नहीं कर सकती कि ये कितने इम्पोर्टेंट है मेरे लिए now, okay, मैं बता थोड़ा सा वैसे ये जो रिश्ता होता है ना पति पत्नी का ये रिश्ता वही लोग समझ सकते हैं जो मैरिड है और जो मैरिड होने वाले हैं

एक दिन तो बहुत बड़ी बात होती है एक घंटा के अगर मुझसे दूर हो जाए ना तो मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी में एक सोनापन एक खालीपन आ चुका है मुझे ऐसा तो महसूस होता है अगर मैं एक घंटा भी बात ना करूँ तो और रही बात प्यार की तो इनसे बेटर कौन जान सकता है इतना प्यार करता हूँ मैं ये तो है चलो अब नेक्स्ट पढ़ते मिल गया आंसर और एक वो अभी अरे यार ये क्या खुल है आपके फोन में सो so ये नागर भारती जी ट्रिपल नाइन कह रही हैं कि मंथ में है एंटीडी का इंजेक्शन लगवाया था तो जी मैंने एंटीडी का इंजेक्शन लगवा लिया था मिल गया आंसर आपको अच्छा तो नेक्स्ट इज वारदात दिया करके है उन्होंने पूछा है कि खुद को फिट और खुश खुश कैसे रखें सॉल्यूशन बता दो क्योंकि मैं चौबीस घंटे स्ट्रेस में रहती हूँ हेल्थ इश्यू भी हो रहे हैं तो आप करो ध्यान हाँ बिल्कुल जिनको ये सारी प्रॉब्लम है वो कृपया करके अपना पॉजिटिविटी लाए माइंड में कुछ अच्छा करें अच्छा सोचें और अपने आप को व्यस्त रखें और रही बात फिट की आप योगा कर सकते हो मॉर्निंग वॉक कर सकते हो इवनिंग वॉक कुछ भी कर सकते हो और अगर आप कैपेबल हैं तो आप जिम भी जा सकते हो समय निकाल के so, सो uh, मैं भी इस चीज़ पे बोलना चाहूँगी कि जो आप कह रहे हैं ना स्ट्रेस देखो uh, अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं तो प्लीज़ आप उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए क्योंकि जब मैं इस चीज़ में थी ना तो विशाल ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया था वो एक सेकंड के लिए भी मेरे से उनको छोड़ के नहीं जाते थे इनफैक्ट उन्होंने अपने ऑफिस की भी नई नई जॉब थी फिर भी उन्होंने रिक्वेस्ट करके उन्होंने कम से भी कम वो दस पंद्रह दिन जॉब पर नहीं गए थे मेरी वजह से कि मैं घर रहूँगा इनके पास तो इन्होंने इनका मेरे को बहुत सपोर्ट था मेंटली भी वो हर टाइम मेरे से बातें करते हर टाइम मेरे पास Next रहते हाँ और फिट आप इन्होंने बताई दिया तो इनका ही दूसरा क्वेश्चन है कि इन फ्यूचर आप अपने बच्चों को बड़ा करके क्या बनाना चाहोगे दोनों अलग-अलग बताना फ्यूचर में हाँ तो, तो ये फ्यूचर में लेकिन जो मेरी और इनकी सोच है हम ये सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को ना तो इन फ्यूचर मैं ये बोलना चाहूंगी कि आ, देखो पहले तो हम दोनों यही सोचते हैं कि हम आ, अपने बच्चों को पहले उनका जो बचपन है ना वो एंजॉय करने देंगे क्योंकि यार बचपन दोबारा लौट के नहीं आता तो हम तीन चार साल में मैंने भी यही सोचा और मेरी भी यही वो जिस भी चीज में उनको इंटरेस्ट होगा ना हम उनको हमेशा सपोर्ट करेंगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन पा जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दीदी सॉरी मैं नाम पढ़ लू अशू हसाना तो दी आपकी जोड़ी बहुत अच्छी है और आप पिट्टू पिट्टू करते हो तो बहुत अच्छा लगता है, तो <laughs> है।, है? <laughs> अच्छा। so है। इन्होंने कहा कि दीदी मैं आपकी न्यू सब्सक्राइबर हूँ एंड मैंने आपको अभी फॉलो किया इंस्टा पे मुझे आप दोनों बहुत अच्छे लगते हो तो पहली बात तो थैंक यू सो मच हमें इतना मेरे प्यार देने के लिए आपका और हमसे जुड़ने के लिए और नेक्स्ट है कि आ, मुझे आप बहुत अच्छी लगती हो आपके सारे व्लॉग्स देखती हूँ तो थैंक यू सो मच पापा की प्रिंसेस आईडी करके है कुछ और एक है पापा की प्रिंसेस ने दोबारा किया है आप कहाँ से हो और आपको आपकी लव मैरिज है क्या तो इसका तो आंसर पता नहीं कितनी बार दे चुके हैं हम तो ऐसा कुछ भी लव मैरिज है हाँ लव मैरिज है इतने परेशान बेचारे ने झूठ नहीं, नहीं सच बोल रहा हूँ बात है बेचारे झूठ बोल हाँ भाई कर लेते भाई एक्सेप्ट कर लेता हूँ आप लोग बोल रहा हूँ मैं यकीन करना आप लोगों ने बातें घुमा आप लोगों ने इतना बोल बोल के हमें बोल दिया हाँ भाई हम तो एक्सेप्ट कर लेते ठीक है भैया आया है सो so कह रही हैं कि राखी आप दूसरों की भावनाओं की इज्जत करती हो ये आपका सबसे अच्छा गुण है तो थैंक यू इस बात के लिए और फिर आता है पापा की प्रिंसेस आप कहाँ से हो क्या हुआ हो आप ये लव मैरिज वाला तो पढ़ लिया मुझे आप बहुत अच्छी लगती हो मैं आपके सारे ब्लॉग्स देखती हूँ थैंक यू सो मच सो so, uh, अनु बैसोया है uh, उन्होंने पूछा है कि आपका बेबी ऑपरेशन से हुआ तो हाँ जी मेरा ऑपरेशन से हुआ था ओके okay, और भगत प्रीत प्रीति पूछ रही हैं कि आपकी और मेरी मैरिज पूछ नहीं रही वो बता रही हैं कि आपकी और मेरी मैरिज डेट सेम है और uh, मैं आपकी नई फैन न्यू फ़ैन हूँ तो यार फैन फैन मत बोला करो बस मुझे वो थोड़ा सा अजीब सा लगता है बस आप प्यार करते हो मेरे को वो फ़ैन वैन का नाम मत दिया करो उसको तो योगिता हरिद्वार चौबीस जी कह रही है ये क्वेश्चन ये है कि पूछना था कि आपकी माईके वाली फैमिली में कौन कौन है मेरी के वाली फैमिली में मम्मी है डैडी है दो भाई हैं एक छोटी बहन है और एक छोटी सी टिम्मी है और एक गाय भी है छोटी सी टिम्मी वो इतनी छोटी अरे नहीं मतलब टिम्मी तो? है और एक गाय भी है और उसका छोटा बेबी भी है गाय का छोटा बेबी भी इतना हाँ ना ठीक है और फिर उनका नेक्स्ट है कि योगिता जी पूछ रही है, है राखी आप इतनी क्यूट क्यू हो आप मेरी फेवरेट Cute. है है। और ये हो नहीं क्या गलत फहमी आपकी ये लड़ाकू बेजती मत करो मेरी दाड़ा और दाड़ा आपकी और विशाल भैया की मस्ती अच्छी लगती है देखो आप फिर से लड़ने लग मैं सच बोल देता हूँ तो मैं क्यूट लड़ने लग जाता हूँ क्यूट हो तुम लड़ाकू विमान साथ में रह रहा हूं ना मुझे पता पता है आप लोगों को नहीं पता सच्चाई आपने तो देखी लीन की सच्चाई बस बस, बस, बस <laughs> लड़कौन आप देख लो तो इन्होंने एक जस्ट जोन करके है उन्होंने पूछा आपके हस्बैंड का नाम क्या है मेरे विशाल भाटी मेरे हस्बैंड का नाम विशाल भाटी ठीक है तो आप ठीक हो दीदी आपकी लव मैरिज है हाँ जी नहीं है जी ठीक नहीं हूँ मैं हाँ ठीक हूँ yeah. सबके सेम सेम क्वेश्चन है तो so गाइज़ यहाँ पे एक मैसेज है कि देखो मैं उनका नाम नहीं मेंशन करूँगी हेलो दीदी आपके मतलब मेरी एक बहन का नाम लिया है कि आपके पास वो आई नहीं मतलब आप जब आपका बेबी आप मतलब आप ऐसा हुआ था आपके साथ आपके दुख में तो मैं ये कहना चाहूँगी देखो यार आ, किसी के आने और ना आने से मेरी बच्ची तो वापस आएगी नहीं है ना और रही आ, 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 आप कह रहे हो कि आपकी अपनी थी तो देखो जो मेरे अपने थे वो मेरे साथ खड़े थे मेरे दुख में तो आपको इससे तो जवाब मिल ही गया होगा कि मेरा अपना कौन है या अपना है या नहीं है तो और रही दूसरी बात ठीक है किसी की मजबूरी होगी नहीं आ नहीं आ सकते हो तो इससे क्या फर्क पड़ता है कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे Saçımı और रही और जिनको आना होता है ना लिटरली जिनको लगती है कि हाँ अगर आप इतना देखो हम किसको अगर मैं इनसे शिकायत करती हूँ या मैं इनसे लड़ती हूँ ना वो पता क्यों क्योंकि मैं इनसे प्यार करती हूँ इनके साथ मेरा रिश्ता है तो अगर हम किसी से शिकायत करते हैं या किसी से नाराज़ होते हैं ना वो इसीलिए क्योंकि हम उसको बहुत प्यार करते हैं लेकिन अगर जब हम दुख में होते हैं ना तो हम आप उसी इंसान को याद करके जिससे हम सबसे ज़्यादा क्लोज होते हैं अगर वो आपके पास नहीं होता है तो आपको गुस्सा आता है आप उससे शिकायत करते हो ठीक है अगर आप आप नहीं आए हो तो इट्स ओके कौन सा आने से मेरी बच्ची वापस आ जाएगी और ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा दुख था इससे बड़ा दुख मेरे लिए कोई नहीं हो सकता ज़िंदगी में भी कोई भी दुख नहीं हो सकता इससे बड़ा तो मैं ठीक है यार कोई नहीं आया मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अब नहीं पड़ता बिल्कुल पहले पड़ता था तो वो शिकायतें भी होती थी लेकिन अब नहीं पड़ता किसी के आने से कुछ नहीं होने वाला तो जो जहाँ है जैसे है ठीक है आप अपनी लाइफ में खुश रहो हम भी खुश आप भी खुश है ना क्या फ़र्क पड़ता है तो so गाइस एक मिसिंग गल है वो कह रही है दीदी आप सच में आपकी आइज बहुत प्यारी है और थैंक यू सो मच ये जवाब देने के लिए तो आरिफ भाटी जी कह रही है रील्स मैं आपकी रील्स बार बार देखती हूँ जब भी फ़ोन ऑन करती हूँ और आपके व्लॉग्स भी देखती हूँ आप हमेशा ऐसे ही खुश रहो तो थैंक यू सो मच बहन दिल से थैंक यू मुझे इतना प्यार देने के लिए और फिर आ, ये अगेन कह रही है कि दी मुझे आपसे मिलना है जब भी आप जगतपुर आओगी तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना और आपकी जोड़ी एक नंबर है तो थैंक यू सो मच पहली बात तो <laughs> <laughs> कितना हंस रहे हो देखो जोड़ी के नाम से है ना तो थैंक यू सो मच पहली बात तो और दूसरी चीज ये कि जब भी मैं जगतपुर आऊंगी तो वैसे भी मैं आपको तो पता ही है मैं कंटिन्यू व्लॉग्स बना रही तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा और अब तो मैं रहने के लिए ही जाऊंगी तो वैसे भी आपको पता चल जाएगा नहीं है ना पिट्टू पिट्टू करूंगी ये बहुत मेरे पास मैसेज आ रहे थे पता है आपको nice. मेरे को आपसे मिलना है मेरे को आपसे मिलना है आप देखूंगी कितने हमदर्दी हो आप मेरे

तो मोहनी जी कह रही है कि जी आप बहुत मोटी हो रही हो बट क्यूट लग रहे हो और ऐसे ही खुश लो खुश रहो हमेशा तो मोटी मैं इसलिए हो रही हूँ क्योंकि जो मेरे पति देव है मुझे ठूस ठूस के घी खिलाते हैं दूध पिलाते हैं लड्डू खिलाते हैं तो इसलिए मैं मोटी होती जा रही हूँ तो अभी मैं जब मैं अपने ठीक हो जाऊँगी कुछ टाइम बाद से फिर मैं अपना एक्सरसाइज़ वगैरह शुरू कर दूँगी अभी तो नहीं कर सकती फिर मैं अपना मेनटेन करूँगी तो अभी मैं अपना थोड़ा अपना जापा सुधार रही हूँ अभी तो अदिति प्रजापति कह रही है दी आप जो हो गया सो हो गया और अब किसी की नहीं भगवान क्या कि किसी की नहीं चलती आप खुश रहो हमेशा तो थैंक यू थैंक यू सो मच और ये ये क्या है जुवेरिया जुवेरिया आपका फर्स्ट टाइम रील्स देखी थी आप बहुत अच्छे लगते हो तो थैंक यू सो मच और तिवारी मनीष जी कह रही हैं कि मनीषा जी कह रही हैं कि आप जब आओगे तो मैं आपके साथ बहुत सारी बातें करूँगी तो थैंक यू देखूंगी आप कितनी बातें करोगे मुझसे तो ये हिमांशी जी कह रही हैं कि कैसे हो दी आप दोनों बहुत अच्छे हो मेरे फेवरेट हो मुझे आपके ब्लॉग्स बहुत अच्छे लगते हैं तो थैंक यू सो मच ऐसे ही मेरे ब्लॉग्स देखते रहो सो तो वाइज एक है रेखा डेडा दीदी आप मुझे दोनों बहुत अच्छे लगते हो आप दोनों की लाइफ ऐसे ही चलती रहे तो थैंक यू सो मच और गिनी चौधरी जी कह रही हैं आप मुझे अपनी बड़ी बहन आप में मुझे अपनी बड़ी बहन दिखती है और आप देखकर उनकी मुझे आपको देखकर उनकी बहुत याद आती है तो ये बहुत बड़ी बात है कि आपको मुझ में मतलब thank आप you. अपनी बहन को देखते हो मुझ में तो थैंक यू सो मच गिनी एंड बहुत सारा प्यार प्यार्स आपके लिए और uh, जुवेरिया जी कह रहे हैं आप ये तो पढ़ दिया था hmm. और ये अदिति कह रही है ये भी पढ़ सो so गाइज और ना जो भी थोड़े से बड़े से मैसेज थे वो मैंने ले लिए बाकी अदरवाइज दी आप ठीक हो आप ठीक हो मतलब ऐसे तरीके से आ, बहुत मोटिवेशन वाले वीडियोस थे सॉरी मैसेजेस थे तो मेरे दिल से थैंक यू आपने मुझे इतना सारा प्यार दिया और आ, अभी वो, और भी बहुत सारे वो हैं स्क्रीन वग़ैरह अब वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा व्लॉग तो मैंने अभी छोटे से उनका आंसर किया है तो प्लीज़ आप ऐसे ही प्यार देते रहना हम दोनों को देखो मेरे पति को नींद आ रही है यार मैं अच्छा चार में कर सुबह जल्दी उठे हुए तो मैं अभी क्योंकि मैं तो लेट उठती हूँ तो ये मैं तो उधर नौ बजे उठती हूँ तो ये सुबह जल्दी उठते हैं तो इसलिए इनको सो जाने देते हैं मैं आपसे बातें करती हूँ उधर जाके आप सो जाओ ठीक है मैं इनके साथ ही बैठी थी ना यहाँ बेड पे लो फोन ले लो अपना तो गाइज़ थैंक यू सो मच आपने इतने प्यारे प्यारे मेरे से क्वेश्चन पूछे और मैं ज़्यादा बहुत ज़्यादा सारे क्वेश्चन थे जो कि छोटे छोटे थे वो मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर आप लोगों को रिप्लाई करूँगी जो ज़्यादा सेम सेम से क्वेश्चन थे तो मैंने उनका रिप्लाई कर दिया और जिसका किसी का छूट गया हो तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी ठीक है अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए बाय बाय टाटा